एक तरफ तो पूरा देश भाई बहन के त्यौहार भाई दूज को मना रहा था, तो वहीं संभल का एक भाई अपनी बहन के आने की राह देख रहा था। मगर उसको नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने अपनी बहन दी है वही दरिंदा उसकी मौत की वजह बन जाएगा, और दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर उसकी बहन को फांसी के फंदे पर लटका देगा। ताजा मामला यूपी के संभल के थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम बगडोर का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल के लिए फांसी फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस फिलहाल मामले में जुटी है और अभी फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरीश यादव। हरीश यादव, अच्छा जो महिला आज बगडेर गांव में खत्म हुई है, ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? प्रवेश। अच्छा ये क्यों, इनके ससुराल वालों ने क्यों मारा है इन्हें? इन्हें ये मारा है कि एक बाइक मांग रहे थे, एक सैमसंग का मोबाइल मांगते थे, कहते थे हमें गाड़ी दो अपाची, और गाड़ी नहीं दोगे तो हम दूसरी शादी करेंगे, तीन लड़की 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 होती है, और इतनी लड़की का क्या करेंगे दूसरी शादी का, कई साल पहले से गाड़ी को बुलाने का। अच्छा ये कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है, कितने दिनों से इन्हें टॉर्चर किया करते थे, इनके शरीरों पे भी निशान मिले हैं? एक साल पहले से तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उसके बाद में गाड़ी थे, पीछे पापा जी आए थे, भाई भी आया था, वो 108 चलाता है, वो भी गाड़ी था, मैं भी 108 ही चलाता हूँ, लेकिन उसके बाद एम्बुलेंस, इसके बाद में गाड़ी थे, भाई आया था, उससे कह दी थी कि गाड़ी थे मैं आऊँगी, गाड़ी थे पापा जी को भेज देना। अच्छा आज ऐसा क्या हुआ जो कि इनके ससुराल वालों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिए? भाई दोस्त वो ही कहते थे, ये बात थी कि महके वालों हमारे वो ताऊ जी हैं, वे आते थे, उन्हें बुलाते थे, हमें तो कोई संपर्क ही नहीं साथ देते, क्योंकि हमसे कम बात करते थे, उनसे कहते थे वकील साहब ने उनको कहते थे, उन्हें बुलाते थे, उनसे कहते थे, तो हमारे ताऊ कहते थे, उनकी कहते थे लड़की की ज़्यादा कहते थे, बेटा ऐसे कल मान जाए ऐसे मान जाए। नहीं आज ऐसा क्या हुआ इन्हें जो कि फांसी के फंदे पर लटका दिया गया? आज ऐसा क्या हुआ है, क्या रीजन लग रहा है कि जिसके चक्कर में आज इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया? दोज करने को, रक्षाबंधन करने को भी नहीं भेजी थी, आज दोज का मतलब है, बहन जी से सुबह मेरी बात हुई थी, बहन जी कह रही थी कि क्या कहते मैं दोज कर। वहीं सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे था। परिजनों ने मृतक महिला के पति, सास ससुर, उसकी नंद के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। सर ये थाना धनारी क्षेत्र के गांव बगडेर में एक महिला मृत जो फांसी पर लटक करके खत्म हुई है, ये क्या है पूरा मामला? हाँ ये मृतक का नाम प्रवेश है जी, और यहाँ इस गांव में दालवीर सिंह को ये ब्याही थी। परिवार जना कहना है कि 6.5 साल के आसपास शादी हुए हैं, और दहेज की मांग करते थे, दुखी करते थे, परेशान करते थे, और जब दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई थी तो उसकी हत्या कर दी। इस तरह की तहरीर थाने प्राप्त हुई, मुकदमा पंजीकृत हो गया है, भ्रष्टाचार भी पहुँच रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई है भ्रष्टाचार बनने के बाद। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पिछले 2 साल से इस महिला को अपने मायके नहीं जाने दिया, और अभी भी तो भैया दोज के कारण ये महिला अपने मायके जाने को कह रही थी लेकिन परिजनों ने नहीं जाने दिया। देखिए मैंने कहा कि उसको कोई ना कोई परेशानी थी और वो दुखी थी, तभी ये घटना हुई, बाकी तफ्तीश का विषय है, सभी बिंदुओं पर गहराई से जाँच की जाएगी। सर महिला की बॉडी देखने के अनुसार पता चल रहा है कि उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया, उसके हाथ पर भी निशान है जले हुए के। निशान है लेकिन जला हुआ का है, कटे हुआ का है, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उसकी मृत्यु हुई है, वो परेशान थी, इसीलिए तो उसको हुआ है। SPNI न्यूज़ के लिए संभल से पंकज राघव की रिपोर्ट।